वेरी गुड मॉर्निंग है चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी सराफ का स्वागत करता हूँ। तो दोस्त आज हम समावेशी शिक्षा ले रहे थे तो आज का ये पाठ जा रहा है प्रतिभाशाली बालक पे। तो आपने कहावत सुनी होगी ना, होनहार वीरवान के हो चीखने पात, मतलब जो होनहार बच्चे होते प्रतिभाशाली उनके लक्षण शुरू से ही दिखाई देने लगते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यह बालक जनरली सामान्य बच्चों में जो सबसे बुद्धिमान बालक होते हैं उन्हीं को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पर इससे पहले और किसी बात पे जाऊं, मैं चाहता हूं कि हम कुछ डेफिनेशन देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। बस यूँ समझिए कि आपको पिछले लेक्चर से शुरू करूँगा जहाँ मैंने ये बताया था कि प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक भी हो सकता है। मतलब अगर आप इसमें इतना ज़्यादा ऊर्जा होती कि आप या तो इसे थकाओ मतलब ये अगर अच्छा कर रहा है तो वहाँ भी होगा नंबर वन, और अगर ये गलती से बुरा कर रहा है तो आपको जान के हैरानी होगी, ये वहाँ भी नंबर वन होगा। इसलिए प्रतिभाशाली बालक के बारे में और कुछ आगे बढ़ने से पहले चलते हैं एक डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन आती है क्रो एंड क्रो की, और उन्होंने क्या कहा है, प्रतिभाशाली दो पार्ट दिए हैं। पहला, प्रतिभाशाली बालक की IQ बुद्धिलब्धि 130 से ज़्यादा होती है। दूसरा, इनके पास पता है ना ऊर्जा बहुत बचती, इसलिए दूसरा पार्ट क्या है कि विद्यालयी कार्यक्रम के अलावा जो आपका विषय है हिंदी गणित जो भी है उसके अलावा खेल संगीत या फिर कला इत्यादि अभिनय में भी ये क्या होते हैं, निपुण होते हैं। विटी, यह बहुत ही मज़ेदार डेफिनेशन है विटी की। उन्होंने कहा प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं और इसमें 50% मित्र बनाते हैं तथा 80% बच्चे धैर्यवान होते हैं, और प्रतिभाशाली बालकों में 96% बच्चे अनुशासन प्रिय होते हैं। और यह बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है, स्किनर की बहुत आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा प्रतिभाशाली बालक उन दुनिया के 1% बच्चों को कहते हैं जो अन्य बच्चों अर्थात सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और होबिंगहॉस्ट, ये डेफिनेशन भी बहुत आती है, इसमें विशेषता बताई गई कि कैसी होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। तो देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही हो सकता है जिसमें उनकी विभिन्न योग्यताओं का क्या हो सके, विकास हो सके। क्योंकि आप देख ही रहे हो वो खेल में भी आगे होगा, कला में भी आगे होगा, तो उनका विद्यालयी कार्यक्रम केवल रट्टा मारने वाली किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आएंगे विभिन्न विद्वानों ने क्या राय दी है प्रतिभाशाली बालक पे। पहला, टर्मन ने आपको पता है 1916 में एक बुद्धिलब्धि सारणी दी जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर 140 प्लस की IQ वाले जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं। विटी, एक पॉल विटी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, अभी आपने ऊपर इनकी डेफिनेशन भी देखी, इन्होंने कहा प्रतिभाशाली बालक की IQ 120 प्लस होती है। क्रो एंड क्रो, अभी आपने देखा 130 प्लस होती है। और एक विद्वान है हैंक, और हैंक ने कहा है कि इनकी जो IQ होती है वो 125 प्लस होती है। तो चलिए ये पॉइंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होगा CTET के लिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, आप देखो एक लंबी लिस्ट है, 11 पहचान लिखे गए हैं। पहला, कठिन विषयों में रुचि, मेधावी होते हैं, योग्य होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, मैथ साइंस ऐसे विषयों में कुछ ज़्यादा ही प्रवीण होते हैं, मतलब इनको सरल काम पसंद ही नहीं है। मैंने आपको बोला यह प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक क्यों बनता है, जब आप इसे हल्का सा सवाल देंगे, ये दो मिनट में हम उस पर बातें करेंगे जब आएंगे आगे। पहला, कठिन विषयों में रुचि, आपको बता चुका हूँ। दूसरा, अमूर्त चिंतन। देखिए गाइस, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी, जैसे आप प्रमेय देंगे निर्मेय देंगे, जो चीज़ दिख रही वो तो करेगा ही, जो चीज़ नहीं दिख रही उसमें अपने तर्क का इस्तेमाल करेगा और अमूर्त चिंतन के द्वारा उस प्रश्न को हल करेगा। अगला, नेतृत्व की क्षमता, एकदम टीम के लीडर होते हैं, इनके अंदर नेतृत्व लीडरशिप की स्किल पाई जाती है कि नहीं मैं लीड करूंगा क्योंकि मैं हूं सबसे बुद्धिमान। और आगे चलेंगे, अनुशासन प्रिय, क्लास में अनुशासन प्रिय होते हैं, विश्लेषण, किसी भी पॉइंट को तर्कों द्वारा विश्लेषण करके छोटे छोटे भागों में बांट करके सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। और शारीरिक गठन, जैसा आपको बता ही चुका हूँ ये शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं, और जैसा आपको शुरुआत मैंने लेक्चर में जहाँ से की है वो आपको बोला था ना, होनहार वीरवान के जन्म से ही ये अन्य सामान्य बालकों से, टर्मन ने कहा है, 1 इंच ज़्यादा लंबे होते हैं। और उत्तरदायित्व की भावना, हमने बोला हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं नहीं ये काम किया जाएगा। और अगला, विद्यालय प्रदर्शन में, इनके मार्क्स आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास उठा के देखिए, प्रतिभाशाली बालक कक्षा प्रदर्शन में हमेशा अव्वल होता है, तो ये कक्षा प्रदर्शन में हमेशा आगे होते हैं गाइज। और अगला होता है
खेल और संगीत बता रहा हूँ इनकी। देखिए भाई, आपको थोड़ा इनका मेन पॉइंट बता दूँ, क्योंकि इनके पास क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, उच्च क्षमता होती है इनके पास, इसलिए इनके मतलब विद्यालय के सब्जेक्ट तो ये बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए खेलों में भी ये रुचि, आप इनको खेल खिलवाओगे वहाँ भी नंबर एक रहेंगे, कला अभिनय हर जगह मतलब ये ऑलराउंड जीनियस होते हैं। और अगला होता है समायोजनशील, खुद को किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने की क्या रखते हैं, पावर रखते हैं। और अब चलेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन को एजुकेट कैसे किया जाए। विशिष्ट विद्यालय, कुछ ऐसे भी विद्यालय बनाए जा सकते हैं जो केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए, जैसे आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय, आपने सुना होगा, तो नवोदय विद्यालय शुरू से ही प्रतिभाशाली लोगों के लिए बने, क्योंकि आपको मालूम है ये रेजिडेंशियल मतलब बोर्डिंग लॉजिंग दोनों, रहन खाना पीना सब प्रोवाइड करते हैं, रात को 8-9 बजे तक पढ़ाते हैं, बड़े मुश्किल टफ ड्यूटी होती है टीचर्स की। विशिष्ट कक्षाएं, अगर आप विशिष्ट विद्यालय नहीं दे पा रहे हो तो विशिष्ट कक्षाएं, जैसे केवल प्रतिभाशाली बच्चों को इकट्ठा कर लिया एक क्लास में कि आज गणित के सबसे मुश्किल सवाल हल किए जाएंगे, तो उनको लगेगा नहीं यार मेरे टैलेंट का सही यूज हो रहा है, आज हम कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य देने जा रहे हैं। और छात्रवृत्ति प्रदान करना, जैसे आपने देखा है नेट JRF है, क्या है प्रतिभा, JRF कौन क्वालिफाई करेगा, सामान्य आदमी थोड़ी क्वालिफाई करेगा, प्रतिभाशाली आदमी ही क्वालिफाई करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत सारी देते हैं, तो ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति दीजिए ताकि इनको प्रोत्साहन मिले। अगला, कभी कभी निचली कक्षाओं, क्योंकि पढ़ने में जीनियस होते हैं, विद्यालय विषय पर इनके कमांड बहुत लाजवाब होते हैं, इसलिए कक्षा 8 में है तो 5, 6 या 7 को भी पढ़ाने का मौका कभी कभार आप दे सकते हो। अगला क्या है, कक्षा में प्रदर्शन, इनको ऐसा नहीं कि कोने में बैठा है, इसको बीच बीच में महसूस होने का मौका दीजिए। कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, देखते हैं कौन जल्दी लगाएगा, तो प्रतिभाशाली बालक ही जल्दी लगा पाएगा, इसलिए उनको लगे नहीं यार हमारी कोई तो पहचान है कि हम सबसे जल्दी सवाल लगाते हैं। और अगला आएगा, निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त विषय या खेल संगीत कला आदि में भी रुचि दें। और ऑप्शन 3 छूट गया था, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य, अब आपको समझाता हूँ कैसे, थोड़ा यहाँ देखेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिवाकर इधर, अब देखिए हाँ, अब हमें हमारा 20 मिनट का कार्यक्रम है, यह है मंद बुद्धि और यह है कैसा बालक, प्रतिभाशाली। मंद बुद्धि 20 मिनट में जब तक 20 सवाल हल करेगा, अगर बहुत सरल है तो मैं तो कहता हूँ 5 अगर हल करेगा, उसी वक्त अगर आप इससे 5 हल करवाएंगे तो ये समस्यात्मक बालक बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 5 लगाने में 1 मिनट लेगा, और जब ये खाली हो जाएगा सामने वाले बच्चे को चुटकी काटेगा, उंगली करेगा, परेशान करेगा, इसलिए इसको उतने में कितने क्वेश्चन दीजिए, 25 मतलब, अगर सरल हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए, और अगर इसे भी 5 देना चाहते हैं तो इन महाशय को क्वेश्चन दीजिए सरल और इसको दीजिए कठिन। मुझे यकीन है आप पुल्ली ये बात समझ पा रहे हैं, तो प्रतिभाशाली बालकों को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने चाहिए। अब आगे आती है प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की विधियाँ, तो गाइस पहला है छात्र नेट, एकदम देहाती विधि है ये, देखिए हमारे इस लेवल पे नहीं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस लेवल पे मुझे नहीं पता है कि कितना काम करेगा, पर 5, 6, 7, 8 में बड़ा क्रेज होता है जानने का, गणित में कौन तेज है हम सब पता लगाते रहते हैं, हिंदी में कौन तेज है, तो बच्चों को जब लिए मालूम होता है कि हमारी क्लास के टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाता है, तो यह रात छात्र निर्णय। और दूसरा उसका उल्टा है अध्यापक निर्णय, देखिए गाइज शिक्षक को हमेशा पता होता है कि उसकी क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा कौन है, खासकर इस लेवल पे, और अगर ये ना आए तो आप परीक्षण विधि ले सकते हैं, बुद्धि परीक्षण करके जो भी स्कोर आए आप उससे निर्णय कर सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। या एक और तरीका है विषमता एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई सवाल दिया बोलता है देखते हैं सबसे जल्दी कौन लगाएगा, और जो सबसे जल्दी सबसे तेज लगाता है वही कैसा बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। वरना गाइस चौथी विधि बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है, वो क्या है, आप पिछले कई सालों की मार्कशीट स्कोर कार्ड अंक पत्र उठा के देख लीजिए, जो प्रतिभाशाली बालक होगा, देखिए गाइस तुक्का एक बार लगता है, हर बार तुक्का नहीं लगेगा, अर्थात जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसका विद्यालय उपलब्धि हमेशा और हमेशा हाई रैंक का होगा। तो गाइस यह रहा लेक्चर प्रतिभाशाली बालक पे, मुझे यकीन है आपको सटीक लगेगा और संक्षिप्त, आई मीन मैंने ज़्यादा घुमा फिर कर नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट लेक्चर देने की कोशिश की है। तो चलें गाइस टिल देन आई आर पी मिश्रा से गुड बाय टू यू, नेक्स्ट लेक्चर गाइस तुरंत ही अपलोड होगा, थैंक यू।